माननीय परदेशी साहेब हे या ठिकाणी दोन रेल्वे विभाग माननीय भुसावळ रेल्वे विभाग भुसावळ 2000 रुपयांचा जनआंदोलन निधी या ठिकाणी देत आहेत माननीय विलास खरात सर। साथियों, आज राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का महाराष्ट्र राज्य का चौथा अधिवेशन यहाँ पर संपन्न हो रहा है और इसके लिए विभिन्न वक्ताओं ने अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विषय पर जानकारी दी है और ये कंक्लूड सेशन है और दोनों सत्रों का यहाँ पर मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। बात तो लंबी है मगर संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जिन इश्यूज को लेकर आंदोलन कर रहा है, चर्चा कर रहा है, इसे एक बात सामने आ रही है कि हमारे लोगों को पता चल रहा है हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। जो प्रस्तापित ट्रेड यूनियंस है वो ट्रेड यूनियन ब्राह्मणों द्वारा संचालित है, वह ट्रेड यूनियन हमारे बहुजन समाज के समर्थन में बात नहीं कर रहे बल्कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जो है वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने की प्रक्रिया में बड़ी लड़ाई अगर लड़नी है तो बड़ी शक्ति का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। शक्ति के बगैर बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। साथियों, जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं उनके ट्रेड यूनियंस हैं। जैसे आप 11 ट्रेड यूनियन की बात कर रहे थे, इनको बैकअप में एक ताकत है और वो पॉलिटिकल ताकत है। कांग्रेस के ट्रेड यूनियन को कांग्रेस का ताकत है, बीजेपी के ट्रेड यूनियन को बीजेपी को ताकत है और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको उनकी पार्टी की ताकत है। यानी जो शासन सत्ता में जो बैठे हुए ब्राह्मण लोग हैं उनके खिलाफ ये ट्रेड यूनियन क्यों लड़ेगा? जो कांग्रेस का ट्रेड यूनियन है, जो बीजेपी का ट्रेड यूनियन है, जो माकप भाकप का ट्रेड यूनियन है, वो अपनी शासन सत्ता के खिलाफ क्यों आवाज उठाएगा? तो यहां जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा ये भी थी कि 11-12 ट्रेड यूनियंस है मगर वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो अब लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारा विकल्प ये ब्राह्मणवादी ट्रेड यूनियन नहीं हो सकता, हमारा विकल्प राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ ये ट्रेड यूनियन है। मगर जो ट्रेड यूनियन बनाए गए वो किस मकसद से बनाए, चाहे हिंदू मजदूर हो या सीटू हो या अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन हो, काय के लिए बनाए? श्रीपाद अमृत डांगे जो ब्राह्मण था ये मूलतः बाल गंगाधर तिलक का चेला था, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जिसने स्थापना की वो मूलतः बाल गंगाधर तिलक का अनुयायी था। और जो होम रूल बनाया गया था वर्ल्ड वॉर की परिप्रेक्ष्य में, ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि ब्रिटिश लोगों के ऊपर दबाव डाला जाए और ब्रिटिशों को ऐसा एहसास किया जाए कि ब्राह्मणों की मांग अगर मान्य नहीं की गई तो 1857 जैसा माहौल ये ब्राह्मण लोग कर सकते हैं।
इसलिए बाल गंगाधर तिलक एक साल तक लंदन में जाकर बैठा था। ये जो ब्राह्मणों का चरित्र है, इनका चरित्र हिंसात्मक चरित्र है। अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उनके साथ उन्होंने अटैक किया। और शाहू छत्रपति महाराज ने बाल गंगाधर तिलक के षड्यंत्र को समझा तो शाहू छत्रपति महाराज ने मुंबई में, उस समय के बॉम्बे में, हमारे लोगों का ट्रेड यूनियन बनाया पहली बार। अगर आधुनिक भारत में संगठित रूप से ब्राह्मणवाद को चुनौती देने का कार्य जिन लोगों ने किया है वो हमारे पुरखे नारायण मेघाजी लोखंडे ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया, यानी उनका दोस्त दुश्मन तय था। शाहू छत्रपति महाराज ने मुंबई में कामगार लोगों का यूनियन बनाया और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी अपने लोगों का ट्रेड यूनियन बनाया। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा का मकसद है हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आजाद होना है, और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे महापुरुषों ने जिंदगी लगाई और हमारे लोगों को 108 साल लगातार संघर्ष करके अधिकार देने में कामयाब हो गए। क्या हमारे महापुरुषों का मुख्य उद्देश्य रिजर्वेशन हासिल करना था? क्या हमारे महापुरुषों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नौकरियां हासिल करना था? नहीं, हमारे महापुरुषों का उद्देश्य नौकरियां हासिल करना नहीं है, खाली रिजर्वेशन हासिल करना नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष से जो लोग, विदेशी लोग, हमारे लोगों को जातियों में बांटकर इस देश की व्यवस्था पर राज कर रहे हैं, उस व्यवस्था में बदलाव करना, ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन का मुख्य मकसद है। जो चर्चा अभी हो रही है ये परिणाम है, कारण है इस व्यवस्था पर, शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का नियंत्रण होना। रिजर्वेशन पॉलिसी 50 में अमल में आई, संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के तहत लाई गई, मगर ब्राह्मण शासक वर्ग बन गया और शासक वर्ग बनने के बाद ब्राह्मणों ने योजना बनाकर विपक्ष भी खड़ा किया, शासक वर्ग भी खड़ा किया। 3.5% ब्राह्मण है और 3.5% ब्राह्मणों का पार्लियामेंट्री सिस्टम पर कब्जा है, कार्यपालिका पर कब्जा है, न्यायपालिका पर कब्जा है, प्रसार माध्यम पर कब्जा है। साथियों, उन्होंने जो कब्जा किया, कब्जा कर योजना बनाकर चेहरे बदलकर डिप्लोमेसी अपनाकर एक विपक्ष होगा, सत्ता होगा, सत्ता में भी ब्राह्मण होना चाहिए और विपक्ष में भी ब्राह्मण होना चाहिए, योजना बनाकर कार्य किया। और जब रिजर्वेशन पॉलिसी अमल करने का मामला आया तो कांग्रेस का उस समय का जो नेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने चीफ मिनिस्टर को सीक्रेटली खत लिखा और उस खत में लिखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर अमल नहीं करना है, इधर हम मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, संविधान की शपथ लेंगे कि बेईमान नहीं होंगे संविधान के साथ, ईमानदारी से अमल करेंगे, ऐसा हम बोलेंगे, मगर अमल में हमें संविधान को नहीं लाना है और रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं लाना है, ऐसा सीक्रेटली उन्होंने लेटर लिखा। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो अधिकार संविधान के तहत मिला, उस अधिकार को छीनने के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने पुनः पैक की सिस्टम का इस्तेमाल किया और इसका नतीजा यह हुआ कि 90 साल आते आते ब्राह्मणवादी ताकतों ने
ओबीसी का मामला 50 से लेकर 1992 तक चलता ही रहा। ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं मिलने दिया और एससी एसटी के अंदर दलाल किस्म के लीडरशिप पैदा कर दिया और वो कांग्रेसवादी या ब्राह्मणवादी पार्टियों में पिछलग्गू बन गए। जब ओबीसी का मामला आया तो उन्होंने धार्मिक आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया और धार्मिक आंदोलन में कन्वर्ट करने के बाद जो ओबीसी का मामला था क्रिमिलियर लगा दिया और क्रिमिलियर लगाकर ओबीसी को मंडल के अनुसार 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए 27.5 लगा दिया और 27.5 लगाकर झगड़े कायम कर दिया, अमल नहीं किया। ब्राह्मणवादी ताकतों ने, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, इन ब्राह्मणवादी पार्टियों के दलों ने और जो ब्राह्मणवादी ट्रेड यूनियन थे उन्होंने मिचुअली एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को मनमोहन सिंह ने अमल में लाया, नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इस नई आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? इस नई आर्थिक नीति का परिणाम ये हुआ, आज जो आप हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं ये नई आर्थिक नीति का रिजल्ट है। कांग्रेस ने पॉलिसी लाई, बीजेपी ने सपोर्ट किया, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया और जो ब्राह्मणवादी ट्रेड्स है, जो इन ब्राह्मणी पार्टियों के टूल्स थे, उन्होंने इस पॉलिसी को सपोर्ट किया और सपोर्ट करके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने से रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया? जो एससी एसटी ओबीसी का कर्मचारी बनता था, प्रमोशन मिलता था, सर्विस में जाता था और अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाता था, मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी शिक्षा और रिजर्वेशन से हमारे लोगों को मिल रही थी, ब्राह्मणों ने योजना बनाकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उसे खत्म करने का कार्यक्रम शुरू किया। आज जो बीजेपी कर रही है ये केवल बीजेपी ही नहीं कर रही है, ये सारे ब्राह्मणवादी दल और सारे ब्राह्मणवादी ट्रेड यूनियंस जॉइनिंग कर रहे हैं, इकट्ठा होकर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा, डीआर गायकवाड़ ने कहा कि 26 लाख कर्मचारी रेल विभाग में थे, आज 9 लाख तक आ गए हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी भारत सरकार के पास रेल मंत्रालय है या अडानी के पास है। अभी जो टैग मार्क होता था भारत सरकार रेल विभाग, उसके लिए रेल मंत्रालय होता था। 2017 से लेकर 2021 तक एक खबर आई और वो खबर चौंकाने वाली है कि बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर। ये मतलब रेल विभाग तो गया, जो ब्यूरोक्रेट्स 5 साल के बाद सरकार आती है जाती है, फिर विपक्ष विरोध करे तो विपक्ष आएगा, मगर जो परमानेंट है वो व्यवस्था है ब्यूरोक्रेट्स में अभी नई सिस्टम आ गई, यानी प्राइवेटाइजेशन का स्तर कहां तक गया। सफाई कामगार तो खत्म हुआ, थर्ड ग्रेड खत्म हुआ, मगर प्राइमरी स्कूल खत्म हो रहा है, मेडिकल सेक्टर खत्म हो रहा है, परिवहन विभाग खत्म हो गया, बिजली विभाग खत्म हो गया, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मगर जो आईएएस आईपीएस खत्म हो रहा है, आईएएस आईपीएस बोल नहीं रहा है। जो क्रीम है समाज का, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, उस इस बात में यह भी आया कि कई सारे जो पूंजीपति लोग थे जो बिना आईएएस की परीक्षा पास किए गए, उन्हें सेक्रेटरिएट में बड़े अहदे पर रखा गया, बड़े बड़े पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया। बीएचयू में एक विवाद हुआ और विवाद इसलिए हुआ कि नीता अंबानी क्या पढ़ाएगी। नीता अंबानी अभी लेक्चरर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है नीता अंबानी,
जिसे बीजेपी गवर्नमेंट ने खेल रत्न पुरस्कार दिया। अभी अम्बानी की मिसेस कौन सा खेल खेलती होगी जिसे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, नचाती होगी? पूंजीपति जैसे नचाते हैं वैसी नचाती होगी? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट आ गया। जो हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग जिन एजेंडे को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, वो मूल एजेंडे को छोड़कर काम कर रहा है। हमारा आंदोलन 108 साल का आंदोलन ने उपेक्षित समाज में, वंचित समाज में अधिकार संपन्न वर्ग बनाया, मगर वो मिसगाइडेड हो गया, दुश्मनों को नेता मानने लगा, दुश्मनों का झंडा डंडा ढोने लगा, और रिजल्ट ये आया कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और हमारे लोग कांग्रेस के ट्रेड यूनियन में थे, हमारे लोग आरएसएस के ट्रेड यूनियन में हैं। तो ये जो ट्रेड यूनियन हम बना रहे हैं, हम हमारे समाज को जगाने का काम करने के लिए ही नहीं बना रहे, आने वाले समय में बड़ी लड़ाई की तैयारी करना होगा। सभा सम्मेलन से हमारे कार्यकर्ताओं की मानसिकता बनती है, दृढ़ विश्वास बनता है कि हम जिस मकसद और जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम हमारा समय लगा रहे, हुनर लगा रहे, बुद्धि लगा रहे, ये सही जा रहा है, इससे हमको ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मगर संगठन का बनाने का मकसद है एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करनी होगी। जो एलपीजी से खत्म हुआ, कांग्रेस के लोगों ने खत्म किया, वही पॉलिसी कांग्रेस की है प्राइवेटाइजेशन करने की, वही पॉलिसी बीजेपी आरएसएस की है, वही पॉलिसी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की है। 2006 में जब कई सारे लेबर एक्ट खत्म किए, सेज एक्ट पारित किया गया, जब समाज में विरोध शुरू हुआ, तो ये बड़ बोले कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी इज्जत ट्रेड यूनियन में कायम रहे इसके लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए, हमें मालूम नहीं था इतने डेंजर कानून है, हमें अलग ही बताया गया था और हमने समर्थन दिया, वोट दिया, अब वोट देने के बाद कहने लगे हमें मालूम नहीं था कि अंदर ये करने वाले, क्योंकि उनकी ट्रेड यूनियन खत्म होने का डर है। तो जो शासक वर्ग है, वो शासक वर्ग ब्राह्मण है, और जो पॉलिसी कांग्रेस की है वही पॉलिसी बीजेपी की है, वही पॉलिसी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की है, तो इनकी नीति एक है, वर्ग एक है। तो इसलिए साथियों, ये जो लड़ाई लड़नी है तो बगैर संगठन, बगैर शक्ति की नहीं लड़ी जा सकती। मुझे एक बात याद आती है कि इनका कम्युनिज्म कैसा है। गांधी जी ने कम्युनिज्म की व्याख्या की, साम्यवाद। गांधी जी को पूछा गया साम्यवाद क्या है, तो गांधी जी ने कहा वर्ण व्यवस्था ही साम्यवाद है, मेरा भी एक साम्यवाद है। तो जो समाजवादी ब्राह्मण होते हैं, ये गांधी और मार्क्स ये दोनों इकट्ठा करते हैं, तो इनका एक समाजवाद है, इनका एक साम्यवाद है, तो इनका समाजवाद क्या है, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप अपने बापजादाओं के पैतृक धंधे करना ही समाजवाद है, इनकी व्याख्या। एक बार ये अरेस्ट हुआ श्रीपाद अमृत डांगे, देखो वो लोग अरेस्ट होते तो किताब ही लिखते, अरेस्ट होते समय किताब लिखते। नेहरू ने किताब लिखा, लेटर्स टू इंदिरा, क्या लिखा, हम विदेशी है और यहां के लोगों के ऊपर राज करने आए हैं वहां से। श्रीपाद अमृत डांगे अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद उनको लगा मुझे कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि राजवाड़े के साथ उनकी बहस होती थी, विकार राजवाड़े के साथ, तो उसने किताब लिखा आदि भारत। तो वो किताब साम्यवाद की थ्योरी के ऊपर लिखा, तो उसके अंदर उसने लिखा कि साम्यवाद हमने मार्क्स से नहीं लिया। देखो जो हमारे लोगों को मार्क्सवाद की थ्योरी पढ़ाते ये इंटक आईटक वाले लोग, ये कहने के लिए लेनिन मार्क्स का नाम लेते हैं, वास्तव में इनकी प्रेरणा मार्क्स लेनिन नहीं है, इसने किताब लिखी है, और वो हमारे लोग तो पढ़ते हैं ही नहीं, जो कम्युनिस्ट पार्टी या उन लोगों के साथ है वो तो उनका लिटरेचर भी पढ़ते नहीं, केवल लाल सलाम इतना ही मालूम है,
क्या लिखा उसने उस किताब में आदि भारत, उसमें लिखा कि साम्यवाद हमने उधर से नहीं लिया, साम्यवाद हमने ऋग्वेद से लिया। ऋग्वेद में यज्ञ करना, ब्राह्मणों का इकट्ठा आना और सामूहिक तौर पर यज्ञ करना, ये एक साम्यवाद है। आगे क्या लिखा मालूम है, पांच पांडव ने एक औरत का उपभोग किया, किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, यह भी साम्यवाद है। साम्यवाद की व्याख्या, माओ से तुंग किसान का लड़का था, उसका एक बायोग्राफी लिखने के लिए एक आदमी गया, उसके ऊपर जो समाज में गलत गलत आरोप थे वो सारे आरोप उसके मुंह पर बोल दिया, बोले इन सवालों का जवाब ही बायोग्राफी है। उसने कहा तुम मत लिखना, मैं बोलता हूँ लिखो। उसकी बायोग्राफी पब्लिश की गई है। उसने अपनी बायोग्राफी में माओ ने लिखा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई, वो गलती ये है कि ब्राह्मण और खास करके चितवन ब्राह्मणों को मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व दिया, उसमें एम एन रॉय और श्रीपाद अमृत डांगे जैसे ब्राह्मणों को वर्ल्ड लेवल का जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर मेंबर लिया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम, करने का काम ये ट्रेड यूनियन वाले करते हैं। शाह छत्रपति महाराज के खिलाफ श्रीपाद अमृत डांगे ने किताब लिखा, आमचे स्वराज्य द्रोही छत्रपति, और उसमें ये बात लिखी कि ये इस महाराज को जिंदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको जहां दिखाई दे उन्हें मार डालना चाहिए। शाह छत्रपति महाराज का मर्डर करने का सुपारी श्रीपाद अमृत डांगे ने काम किया था, और हमारे बहुजन समाज के लोग रिजर्वेशन शाहू महाराज ने दिया ये तो बोलते हैं, मगर शाहू छत्रपति महाराज को परेशान करने का, उन्हें टॉर्चरिंग करने का, उनकी हत्या करने का काम श्रीपाद अमृत डांगे नामक ब्राह्मण ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का डेथ इंक्वायरी कमीशन गठित हुआ, जिसका नाम है DIG सक्सेना आयोग। ये कमीशन बाबा साहब अंबेडकर की डेथ अकस्मित हुई, इसका क्या वजह है, उनकी हत्या हुई या नेचुरल उनका डेथ है, इसकी इंक्वायरी करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी ने प्रेशर डाला, कमीशन गठित हुआ। साल भर गुजर गया मगर कमीशन संसद के पटल पर रिपोर्ट नहीं लाया, तब बहुत प्रेशर हुआ, वॉकआउट किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा वल्लभ पंत को जवाब दो, वो जवाब दिया गया कि बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु कैसे हुआ है ये हम आपको नहीं बताएंगे। फिर हमारे लोगों ने डिमांड किया कि उसका कॉपी तो हमें दिखाओ, तो उन्होंने कहा आपको नहीं दिखाएंगे, माननीय दो सदस्यों को दिखाएंगे, एक है कॉमरेड फय, एक है श्रीपाद अमृत डांगे। क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी के मेंबर थे, क्या उनके रिश्तेदार थे, हमारे लोगों को बताना होगा कि तुम बाबा साहब अंबेडकर के हत्यारों के साथ खड़े हो, चाहे कांग्रेस की ट्रेड यूनियन हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की ट्रेड यूनियन हो, चाहे RSS की ट्रेड यूनियन हो, शाह छत्रपति महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान करने वाले लोगों के साथ बहुजन समाज के लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए, जागृति का अभाव है। इसलिए साथियों कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है ये BJP के लोग अमल कर रहे हैं, कार्यक्रम मनमोहन सिंह ने लाया, BJP के लोगों ने उसको चलाया, कम्युनिस्टों ने उसको चलाया, और लॉकडाउन को RSS का प्रमुख मोहन भागवत ने अवसर कहा। अवसर का मतलब है ये ब्राह्मणों को बहुत बड़ा अवसर मिला, सभी लोगों को घरों के अंदर दबाया, पिटाई किया और लोगों को कहा घर के अंदर रहो। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया राष्ट्रीय हित के लिए कि सभी लोगों को घर के बाहर नहीं आना है, और उसको अवसर मानकर सरकारी उद्योग और कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम शुरू किया। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये आया कि लॉकडाउन के पीरियड में इतनी इतनी कंपनियों को बेच दिया, बेचने के बाद कोई भी पक्ष नहीं है जिसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता है वो नेता राहुल गांधी बयान करने लगा, मैं ब्राह्मण के औलाद हूं,
समस्या क्या थी कि विपक्ष का उसको नेता मान रहे थे, वो बयानबाजी दे रहा था, मैं ब्राह्मण की औलाद, विपक्ष कहा है, विपक्ष नहीं है, ब्राह्मणवादी दल आपका बहुजन समाज का विपक्ष नहीं हो सकता। नालको बेच दिया, टेलको बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, वीएसएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, रेलवे विभाग बेच दिया, एयरलाइन सर्विसेज बेच दिया, अब बेचना क्या बाकी। मैं कुछ साल पहले मेरठ में गया था, मेरठ में हमारे वाल्मीकि राकेश जी, हमारे कार्यकर्ता वामसेब के पुराने शेड्यूल कास्ट के भंगी कम्युनिटी के थे, हम उनके पास गए तो बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि मेरठ में जो महानगर पालिका है उधर ठेका लगता है, तो उन्होंने कहा इस बार खरा सब ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने कहा बताओ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ ब्राह्मण परिवार ने आवेदन किया है कि उस सफाई का ठेका हमको मिलना चाहिए। तो मैंने उनको जिज्ञासावश पूछा कि ब्राह्मण अगर सफाई का काम करते तो करने दो ना, तो उन्होंने कहा डिमांड तो वही कर रहे हैं कि सफाई का काम हमें दो, और कुछ ब्राह्मणों को मिला भी, कुछ ब्राह्मणों को मिला तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, मान लो 20,000 रुपये मिल रहा है तो 4-5 हज़ार का एक आदमी को सफाई पर रख दिया, पेमेंट ब्राह्मण के खाते में जमा हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन सफाई कर्मचारी लोगों का। वो बोल रहा है मैं दो रखूंगा एक रखूंगा, प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट ये आया कि सफाई कर्मचारी भी हमारे समाज के एससी एसटी के जो लोग हैं उनको भी सफाई का काम नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण के नाम पर मिल रहा है, और वो कुछ पैसे में कुछ लोगों को काम पर रख रहे हैं। मेश्राम साहब शुरू में प्राइवेटाइजेशन की व्याख्या लोगों को बताते थे और लोगों को गुस्सा आने के लिए एक उदाहरण देते थे कि ये निजीकरण कितना खतरनाक है, बुद्धिजीवी वर्ग को गुस्सा आने के लिए एक उदाहरण बताते थे कि रेल स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर जो मूत्र विसर्जन करने की जगह है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब इसके नीचे और कौन सी जगह है जिसका प्राइवेटाइजेशन होना बाकी है। उस शुरू में लोग बोलते थे पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं, ये होने वाला नहीं है, ये संभव नहीं है, सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर कांग्रेस के लोगों ने बेचा, शो किया कि राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आ गई है, बहुत बड़ा कर्जा है, लॉकडाउन के पीरियड में अरबों का कर्जा नरेंद्र मोदी ने लिया, ये कहकर कि भारत में आपत्ति आ गई है, लॉकडाउन है, और वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्जा लिया, और अभी रिजल्ट आया कि 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 91 था और 2021 में एकदम 116 में से 101 नंबर पर आया। तो कुछ पत्रकारों ने उनको पूछा, मिनिस्ट्री के जिम्मेदार मंत्रियों को पूछा, तो उन्होंने कहा ये वर्ल्ड लेवल के लोग पागल है, उनका मापदंड हमें मान्य नहीं है, ये अवैज्ञानिक है। ब्राह्मण लोगों ने क्या कहा कि हम लोग प्रगत हो गए मगर इन्होंने जो मापदंड अपनाए गलत है, ये अवैज्ञानिक है। ब्राह्मण लोगों ने जो सत्यानाश किया प्राइवेटाइजेशन 91, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका रिजल्ट है, ये प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट है। हमारे लोगों का सेन गुप्ता कमीशन के अनुसार डेली का इनकम 20 रुपए 11 रुपए 6 रुपए के अंदर है सरकारी कमीशन के अनुसार, और इस साल का वर्ल्ड लेवल का अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी पहला आया और उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड क्या है, 10 साल तक लगातार विश्व का पहला अमीर मुकेश अंबानी, मगर उसके साथ लॉकडाउन में एक दूसरा अमीर पैदा हो गया, अब वो पीछे है, मगर वर्ल्ड में अंबानी है क्योंकि अंबानी लगातार इनमें कमा रहा है। तो मुकेश अंबानी का, हमारे लोगों का डेली का इनकम 20 रुपए
11 रुपए 6 रुपए के अंदर है। ये पुराना कमीशन का आंकड़ा है, मगर अभी नया आंकड़ा ये आ गया कि मुकेश अंबानी का डेली का इनकम 668 करोड़ रुपए डेली कमाता है। मुकेश अंबानी डेली इनकम कितना कर रहा है? 668 करोड़ रुपए कमा रहा है। अब जो नया अमीर बन रहा है उसका ज्यादा है, मगर वो अभी पीछे है, उसका नाम है अडानी। उसका डेली का इनकम 1,002 करोड़ रुपए डेली का इनकम है। दुनिया के लोग परेशान है, इस बात से परेशान है कि भारत क्रांति करने की भूमि है। भारत में क्रांति क्यों नहीं हो रही है? भारत में क्रांति होने का अवसर है साथियों, क्रांति होने का योजना बना रहे हैं और हम रो रहे हैं। हमारी योजना है, हम इसको क्रांति में तब्दील करेंगे। ट्रेड यूनियन इसके लिए कार्य करेगा। ये जो असंतोष पैदा हो रहा है इसको संगठित रूप से इकट्ठा करना होगा। ये लोग सुधरने वाले लोग नहीं है, जो 4,000 साल से हमारे लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं वो विदेशी ब्राह्मण सुधरने वाले नहीं है। जैसे वैक्सीनेशन के नाम पर हमारे लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, कई सारे डाटा कई सारे खबरें ये बता रही है, कलेक्टर ने वैक्सीनेशन लिया, दो बार लिया, उसको कोरोना हो गया। तो दुश्मन जो कार्य कर रहा है वो ये कर रहा है कि उसको हमारे लोगों को साधन संसाधन वीन करना है। जैसे वेता सर ने बताया कि वो एजुकेशन पॉलिसी इस ढंग से बना रहे। मध्य प्रदेश में आरएसएस महान देशभक्त है सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, महाभारत रामायण पढ़ना कंपलसरी है। मोहन भागवत कह रहा है कि वेद विज्ञान से श्रेष्ठ है, बड़े हैं। तो ब्राह्मण लोग उनकी पुरानी व्यवस्था ला रहे हैं। तो आज ये जो सारा षड्यंत्र हो रहा है इसके लिए दो वजह जिम्मेदार है, एक है विदेशी ब्राह्मण और दूसरी वजह है ईवीएम मशीन। शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, नए शिक्षा नए जॉब का निर्माण खत्म, तो इसकी वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन से सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। कानून कहाँ बनते हैं? देश की पार्लियामेंट में, हाउस में बनते हैं, देश की पार्लियामेंट में बनते हैं। और जहां चुनकर गए जो लोग हैं वो शासक जाति के लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट के लोग हैं, और SC ST OBC के जो लोग हैं वो बंधुआ मजदूर बनाए गए हैं, वो पुना पैक के द्वारा दलाल बड़वे बनाए गए लोग हैं, वो उनके कानून को समर्थन देते हैं। और आजकल पार्लियामेंट के अंदर असेंबली के अंदर कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, विदाउट डिस्कशन डिबेट के कानून पास हुए, और उसमें लेबर एक्ट जो हमारे मजदूरों के समर्थन में, हमारे एम्प्लॉय SC ST OBC माइनॉरिटी के समर्थन में जो कानून थे उन्होंने बिना डिबेट बिना डिस्कशन के खत्म कर दिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये इसके कारण कर्मचारियों की समस्या निर्माण हुई है, इसके कारण छात्रों की समस्या निर्माण हुई है, पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग को ये जानना और समझना जरूरी है कि समाज को सही राह सही दिशा सही मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है। राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ के द्वारा जो जागरण जन जागरण किया जा रहा है पूरे भारत भर में, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में बड़ी ताकत के साथ संगठन का निर्माण किया जा रहा है। और जो आप लोगों ने जो इश्यूज खड़े किए, जो हमारे बहुजन समाज के बर्निंग इश्यूज है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो इसके लिए 10 दिसंबर को 2021 को भारत बंद किया जा रहा है।
तो जो कर्मचारी लोग है, संगठित क्षेत्र के लोग है, असंगठित क्षेत्र के लोग है, उनके इश्यूज को भी हम टेक ओवर करेंगे। और इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, इसको समर्थन देगा राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ। अगर ये इशू उनके राष्ट्रीय पटल पर ले जाएंगे तो भारत बंद को भी समर्थन दिया जाएगा। तो इस मौके पर मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी उसका रिजल्ट हम लोग है, हमें जो कुछ अधिकार मिले, हक मिले, वो हमारे पुरखों के त्याग, बलिदान और कुर्बानी के कारण मिले हैं। और हमें अधिकार बचाने तो हमारे पुरखों की जो विचारधारा है उसको आधार बनाकर, संगठन का निर्माण कर, देशव्यापी ताकत का निर्माण कर हमें एक लड़ाई लड़नी होगी। और इस लड़ाई के लिए हमें समाज को तैयार करना होगा और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। जैसे उन्होंने बिजली विभाग के वक्ता ने बताया कि हमारे लोगों ने अगर ऑफिस में आवाज उठाई तो जो बड़ा अधिकारी है उसको नोटिस देता है, शोकॉज नोटिस देता है और उसको कहता है तुझे क्या चाहिए मांग ले, फिर मैं ये मैटर क्लोज करता हूं। प्रैक्टिकल उदाहरण उन्होंने बताया कि अगर कोई संगठन कर रहा है और सही सही बात उठा रहा है तो उसको एक शोकॉज नोटिस दे रहे, उसको दबोच रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये मैटर हम, ये फाइल को हम क्लोज करते हैं, ये बड़े इश्यूज को क्यों उठा रहे हो। जैसे दूसरे वक्ता ने यह बताया कि जो फोर्थ और थर्ड ग्रेड के जो जॉब थे रेल विभाग के जो गायकवाड़ सर, उन्होंने बताया खत्म कर दिए हैं और उसके ठेका, उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन ले रहा है, जो प्रस्तावित ट्रेड यूनियन में लीडरशिप कर रहा है, वो दलाली कर रहा है, उसको दे रहे कि तुम इसको चलाओ। यानी कितनी योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया जा रहा है, प्लानिंग करके ये काम किया जा रहा है। तो ट्रेड यूनियन का मकसद हमारा केवल संगठन बनाना और संगठन चलाना नहीं है, बल्कि हमारे महापुरुषों का जो उद्देश्य अधूरा है, जो कार्य अधूरा है, उसको पूरा करना, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है और यह होना चाहिए। और इसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का, अनुशासित कार्यकर्ताओं का निर्माण RMBKS के द्वारा किया जा रहा है। और चौथे अधिवेशन में आप लोग इतने भारी संख्या में उपस्थित हुए और लाइव उसका टेलीकास्ट लाखों लोग देख रहे हैं और लोग उम्मीद और आशा हम लोगों से कर रहे हैं, तो देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय देना होगा, हुनर देना होगा, टाइम देना होगा, टैलेंट देना होगा। और ये कार्य निर्धारित समय में अगर हमें करना है तो कुछ लोगों को ज़्यादा कुर्बानी करनी होगी। और उद्देश्य निर्धारित है, दुश्मन निर्धारित है। इस कार्य को पूरा करने के लिए साथियों, व्यवस्था परिवर्तन का कार्य हमारा कार्य है। ट्रेड यूनियन को महाराष्ट्र राज्य में जो अलग अलग शाखाएं बनाई आपने, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे रेल विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का क्षेत्र हो, आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है आप लोगों को बोलने के लिए तक इतना कम समय मिला। तो ये बातें समाज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करनी है, ताकि इस बातों से समाज में चेतना का निर्माण होगा। समाज मायूस है, समाज हताश है, मगर मायूस और हताश होने से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हमें समाज का मास मूवमेंट खड़ा करना है। तो जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जितनी भी हमारी शाखा है, इसको मजबूत करना है। तो हर क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का निर्माण करना होगा और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। इतनी ही इस मौके पर मैं बात कर मेरी बात को विराम देता।